7th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we are on chapter number 4 of geography, that is ocean and distribution of ocean and continents. और हमने ये chapter जब start किया था, हमने बात की थी कि how the continents that we find now present day में जो हमारे 7 continents हैं, उनकी जो locations हैं और जो oceans हैं, वो ऐसे नहीं थे millions of years ago. और बहुत scholars ने इससे related research की थी, जिसमें सबसे important हमने पढ़ा था about Alfred Wegener, जिन्होंने हमें इससे related information दी थी कि एक ही land था combined Pangaea, वो break हुआ into two parts. और उसके बाद गोंडवाना लैंड एंड लरेशिया, और उसके बाद फाइनली और ब्रेकअप होके 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए. अभी हुआ कैसे, ये जो एविडेंसेस हैं, ये इन्होंने दिए थे अपने को 5 एविडेंसेस जो हमने पढ़े थे इन आवर प्रीवियस क्लास. तो जिग्स ऑफ फिट वाला हमने देखा था कि कैसे एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं. सेकेंड हमने देखा था कि कैसे रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस फॉर्म हुए थे, और कैसे ये प्रूव करते हैं कि सारे जो लैंड मास थे वो जुड़े हुए थे. टिलाइट के बारे में हमने पढ़ा था, जो सेडिमेंट्री रॉक है ग्लेशियर डिपॉजिट से जो फॉर्म होते हैं. देन हमने प्लेसर डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमने देखा है रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड जो है गाना कोस्ट में है, और एब्सोल्यूट सोर्स रॉक मिसिंग है वहां पे, और ब्राजील में अपने को इसके एविडेंसेस मिलते हैं. सो दैट मीन्स जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स है, ये आपस में जुड़े हुए थे. हमने एक और एविडेंस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, जहाँ पे हमने देखा बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि मीजोसॉरस और भी बहुत सारे ऐसे लेमर्स वगैरह जो हैं, इनके हमारे पास एविडेंसेस हैं कि ये कैसे सेम एरिया पे अपने को मिल सकते हैं जिनके बीच में इतना बड़ा ओशन या सी है. सो मेजोसॉरस के तो स्केलेटन्स मिले हैं अपने को इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, और अगर हम देखें लेमर्स जो अकर होते हैं इंडिया में मैडागास्कर और अफ्रीका में, ये कंटिन्यूस कैसे होते हैं, इससे एक अपने को हिंट मिलता है कि ये तीन लैंड मासेस एक साथ थे, इसलिए इन एरिया को लेमूरिया भी बोलते हैं. कौन कौन से, इंडिया मैडागास्कर एंड अफ्रीका, और मेजोसॉरस का हमें एविडेंस पता चल ही गया है. Now, अगर अब तक वेगनर ने ये प्रूव कर दिया था कि ठीक है ये एक साथ थे, ठीक है सारे लैंड मासेस एक साथ थे और अलग हो गए थे, बट क्यों हुए अलग, उसके रीजंस पता करने हैं. उसके रीजंस के लिए वेगनर ने दो अपने को पॉइंट्स दिए थे. पहला था पोल फ्लीइंग, जिसमें हमने देखा इक्वेटर की तरफ थोड़ा सा बल्जिंग है, अर्थ क्यों बल्जिंग है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन, तो वही रीजन है जिसके कारण कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए थे. सेकेंड रीजन उन्होंने दिया था टाइडल फोर्स, जिसमें इन्होंने बोला था जो टाइडल फोर्स है वो अट्रैक्शन ऑफ मून और सन के कारण है, जिसके कारण टाइड्स डेवलप होती है ओशनिक वाटर से, ठीक है, और इसी कारण से कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए थे. बट ये जो इन्होंने प्रूफ दिए हैं रीजंस फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स और द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, that were not totally somewhere convincingly enough for the other scholars to believe it. So actually में बहुत सारे जो scholars हैं उन्होंने इसको inadequate समझा इन reasons को. So अब इसके आगे क्या हुआ वो हम लोग देखें. So now we move on to the topic post drift theories. तो post drift theories में हम क्या करेंगे class, इन दिस टॉपिक हम देखेंगे आगे जाके बेसिकली कैसे, बिकॉज वी नो ड्यूरिंग हिज रिसर्च ओनली अल्फ्रेड वेगनर डाइड. सो अब आगे क्या करें, हम इस चीज को प्रूफ कैसे करें वो हम देखेंगे थ्रू द पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज. सो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मोस्ट ऑफ द एविडेंस वॉज कलेक्टेड from the continental areas in the form of distribution of flora and fauna deposits. चाहे वो टिलाइट हो, चाहे वो और कोई भी चीज हो. What do I mean by this? Simply अगर आप देखोगे हमारी जो evidences हैं वो generally क्या है, continents के ऊपर से अपने मतलब collect किया है. चाहे आप टिलाइट ले लो, चाहे placer deposit ले लो, चाहे आप skeletons वगैरह ले लो, rock से related ले लो, मतलब और जिग्सॉ पजल,
कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ऊपर या उससे रिलेटेड ही हमारे एविडेंसेस हैं। बाकी एविडेंसेस जो है मतलब ऐसा नहीं है जो कि कॉन्टिनेंट के अंदर से या इस टाइप के कुछ हो, ठीक है। सो एज आई सेड आप कोई भी देख सकते हो, चाहे चलाई देख लो या बाकी जितने भी एविडेंसेस, ज्यादातर हमारे कॉन्टिनेंटल एरिया से अपने को मिले हैं। अब क्या हुआ, हम देखेंगे कि नंबर ऑफ डिस्कवरीज ड्यूरिंग द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एडेड टू न्यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल चेंजेस। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब अपना हुआ था उसके बाद नाउ द कंट्री स्टार्टेड टू फाइंड आउट मोर एंड मूव इनटू दिस रिसर्च वर्क। तो जियोलॉजिकल लिटरेचर पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी, बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क स्टार्ट हो गया। पर्टिकुलरली इस टाइम पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे वो फ्रॉम द ओशन फ्लोर, ठीक है। ओशन फ्लोर मैपिंग, दिस प्रोवाइडेड न्यू डायमेंशंस फॉर द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। यानी कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ हम देखेंगे ओशन और कॉन्टिनेंट्स, उसको उन्होंने रिलेट किया स्पेशली क्या, ओशन फ्लोर मैपिंग। Now, before moving on to the details of it, let us understand, we know from our junior classes कि हमारा continental भी एक crust होता है और oceanic crust भी होता है। तो ocean floor वाला जो उसको mapping, उसका research work, उससे ज्यादा survey करके और उससे चीजों को ढूंढना जो है, that has become more important during this time, ठीक है। तो अब उसी को हम लोग पढ़ लेते हैं। If we talk about the conventional current theory, we know that generally what happens, हमें पता है crust के नीचे कौन सा portion है, mantle है, and there is a continuous movement that is occurring in the mantle portion, ठीक है। तो Arthur Holmes, remember the name, Arthur Holmes जो है उन्होंने 1930 में बोला था कि जो conventional current है that are operating in the mantle portion are somewhere related to these drift and the drifting movements. What do we mean by these? That these currents are generated due to radioactive elements causing thermal differences in the mantle portion. ठीक है, अब देखो हमें पता है क्लास, जब भी थर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर वाइज अगर डिफरेंस होगा तो जनरली जो लिक्विड मटेरियल है वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाहता है। लेट मी जस्ट टेल यू दैट यू मे बी नोइंग, एंड इफ यू टेक एनी एग्जांपल, इफ यू व्हेन वी हीट वाटर, वी नो द हीट इज एक्चुअली जस्ट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द लोअर पोर्शन ऑफ द लिक्विड, फिर भी ऊपर तक गर्म कैसे हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट। क्या मूवमेंट है, जो गर्म वाला जितने भी एटम्स और गर्म वाला जो पोर्शन है वो ऊपर जाता है और ठंडा वाला पोर्शन नीचे आ जाता है। तो एक मूवमेंट कंटिन्यूअसली चलता रहता है जिसके कारण पूरा का पूरा जो वाटर या लिक्विड है वो हीटेड अप हो जाता है, समझ गए। उसी तरीके से मेंटल जो है, जो हमारा लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे भी थर्मल डिफरेंसेस है किसके कारण, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनके कारण। तो इसीलिए हमेशा एक मूवमेंट चलता रहेगा गर्म और जो ठंडे लेयर्स है उनके बीच में। तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अगर ये देखो ये मूवमेंट यहाँ पे भी हो रहा है बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट में हमें पता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ऊपर। अब आप देखो क्या हुआ यहाँ पे, इमेजिन दिस लिक्विड और ये दो वुडन ब्लॉक्स हैं, इनको इमेजिन कर लो कि ये अपने लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, बिकॉज ये फ्लोट कर रहे हैं, ये तो सिंक नहीं हुए वाटर में, पर पानी जो है उसके अंदर एक कन्वेंशनल करंट का मूवमेंट कंटिन्यूअसली चल रहा है। और ये कन्वेंशनल करंट का मूवमेंट क्यों चल रहा है यहाँ पे, इसीलिए चल रहा है टू रीच इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सो अब क्या हुआ क्लास, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस। तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है ये भी कंटिन्यूस मूव करते रहेंगे क्योंकि जो कन्वेंशनल करंट है वो मूव कर रहा है बिलो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है।
Now along with this we see Holmes ने ये बोला कि ये जो currents है ये पूरे mental portion में होते हैं और इसके कारण क्या है, इस force के कारण जो continental drift है वो हुआ है। ये सारे plates move करते हैं, जब ये move करते हैं तो हमें पता है तीन movements होते हैं, या तो एक दूसरे की तरफ move करते हैं convergent, या एक दूसरे से अलग move करते हैं transform डाइवर्जेंट, या फिर एक दूसरे से स्लाइड करते हैं ट्रांसफॉर्म। तो इस मूवमेंट के कारण क्या है, कभी जितने भी अपना लैंडफॉर्म है उसमें चेंजेस अकर होते हैं। हियर यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आर्थर होम्स ने 1930 में कन्वेंशनल करंट की बात की थी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट मेटल में प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या हुआ है, जिसके कारण एक मूवमेंट होता रहता है इनसाइड दी मेंटल क्रस्ट के नीचे, जिसके कारण जो स्लैब्स है वो मूव करती हैं। कौन सी, लिथोस्फेरिक स्लैब्स, जिसके स्लैब्स जिसके कारण हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो प्रूफ हो सकता है। ठीक है, एक हमारी ये पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज जो है ये हमने कर ली है। अब हम नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। जब हम मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर की बात करेंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि ओशन फ्लोर को स्टडी करके भी हमें बहुत कुछ पता चलता है, जिससे कि हम प्रूफ कर सकते हैं अबाउट दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सो लेट अस नाउ नो मोर अबाउट द मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। ओके, नाउ वी विल सी दैट so detailed research of the ocean configuration, मतलब कैसे ओशन बना हुआ है वो किया गया था, जिससे हमें पता चला कि ओशन फ्लोर जो है बहुत बड़ा है, उसके नीचे प्लेन एरिया है, और सिर्फ प्लेन नहीं फुल ऑफ रिलीफ्स है, माउंटेन्स भी है, प्लेट्यूज भी है, प्लेन एरिया भी है। तो उसके बाद जो ओशन फ्लोर है उस पर बहुत ज्यादा एक्सपेडिशन किया गया। कौन से टाइम पीरियड की हम बात करें, वर्ल्ड वॉर के बाद वाले टाइम पीरियड की, ठीक है, अराउंड 1945 के बाद वाले टाइम पीरियड में हम देखेंगे। एक्सपेडिशंस टू द मैप ऑफ द ओशन फ्लोर इन पोस्ट वॉर पीरियड प्रोवाइडेड अस ग्रेट एंड डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द ओशन रिलीफ एंड इट इंडिकेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ, यानी कि ओशन फ्लोर पे भी नीचे हम देखेंगे माउंटेन रेंजेस भी हैं, डीप ट्रेंचेस है, बड़े बड़े डिप्रेशंस है, जो जनरली कहाँ पे लोकेटेड है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पर। व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स हियर, कॉन्टिनेंटल मार्जिन से मेरा मतलब है कि जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स की हमने बाउंड्रीज देखी है उसी जगह पे नीचे अगर आप देखोगे तो वहां पे बहुत सारे माउंटेन्स और डीप ट्रेंचेस है। इसका मतलब कुछ ना कुछ नीचे, यानी कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे ऐसा हो रहा है जिससे अर्थ के क्रस्ट के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं, नॉट ओनली ऑन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बट ऑल्सो ऑन द ओशनिक क्रस्ट। जो मिड ओशनिक रिजेस हैं, वो जनरली हम देखेंगे कि वहां पे वॉल्केनो इरप्शन बहुत ज्यादा होता है, यानी एक्टिव वॉल्केनोस, हमें पता है एक्टिव वॉल्केनोस होते हैं, डॉर्मेंट वॉल्केनोस एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। तो एक्टिव जो के कंपैरेटिवली जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से इरप्ट होते हैं, तो जो मिड ओशनिक रिजेस है वहां पे हम देखेंगे कि वॉल्केनिक इरप्शन से जो वॉल्केनोस है, एक्टिव वॉल्केनोस है। डेटिंग ऑफ द रॉक्स फ्रॉम द ओशन क्रस्ट रिवील द फैक्ट दैट दे आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल एरियाज, यानी जब हमने ओशनिक क्रस्ट के रॉक्स को स्टडी किया, उनकी डेटिंग निकाली, तो हमें पता चला कि जो ओशनिक क्रस्ट वाले रॉक्स हैं वो बहुत यंगर है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल एरियाज, यानी न्यू फॉर्म्ड रॉक्स। अगेन रॉक्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द ओशनिक रिजेस and having equidistant location from the crest were found to have remarkable similarities both in terms of their constituents and age. इसका क्या मतलब है, suppose हमारे पास एक ridge है, एक छोटा सा mountain है, ठीक है,
हिल जैसा है, कहाँ? ओशनिक क्रस्ट के नीचे ही। तो उसका क्रेस्ट मतलब उसकी जो टिप के दोनों साइड अगर आप देखोगे, अगर एक हिल है उसके दोनों साइड देखोगे, जितने भी रॉक्स अपने को मिले हैं उनकी डेटिंग और सर्च करेंगे तो हम देखेंगे जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से वो रॉक बने हैं, यानी कि जिस चीज से वो रॉक बने हैं उसके साथ साथ जो इनकी एज है, जो उनका कॉम्पोजिशन है, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो सिंपल मतलब क्या, ऐसा कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा जिससे मोल्टन मैग्मा बाहर निकला होगा और ऑब्वियसली सेंटर से क्रेस्ट से निकल के दोनों साइड चारों साइड ऐसे डिपॉजिट हो गया होगा, बाद में वो रॉक्स बन गए होंगे। तो ऑब्वियसली वो सेम टाइम से सेम जगह से इरप्ट हुए हैं, तो उनका एज भी सेम होगा और वो जिस चीज के बने हुए हैं वो भी सेम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट द, अगर हम देखें तो जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। ठीक है, अब हम एक और चीज देखेंगे क्लास, जब हम ओशन फ्लोर की बात करते हैं तो हम उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्फ़िगरेशन, ये भी देख लेते हैं क्लास। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कैसे बना हुआ है। ठीक है, जैसे अब मैंने बोल दिया कि बहुत ज्यादा रिलीफ में चेंजेस हैं, बट व्हेन आई से रिलीफ में चेंजेस है इसका मतलब क्या है कि क्या माउंटेन्स है, प्लेटूज है, प्लेन्स है, तो किस तरीके से होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका वो मेनली हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स किस टाइप से है और उसके बाद मिड ओशनिक रिजेस किस टाइप से है और एबिसल प्लेन्स कौन से है, इन सबको हम डिटेल में करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एक ब्रीफली बता देती हूँ, जैसे ही हम शोर के पास पहुंचते हैं तो हम नोटिस करेंगे कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन जैसा होता है जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है सबसे पहले, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, फिर कॉन्टिनेंटल राइज, फिर डीप ओशनिक ट्रेंचेस होते हैं, फिर एबिसल प्लेन्स जो दूर दूर तक प्लेन जैसे स्प्रेड होते हैं, और कहीं कहीं पे हमारे मिड ओशनिक रिजेस होते हैं। मिड ओशनिक रिजेस मतलब थोड़े माउंटेन्स जैसे। ठीक है, सो ये हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे आप ये देख सकते हो जब मैंने बोला था ना मिड ओशनिक रिजेस, यही है देखो, कॉन्टिनेंटल मार्जिन के अराउंड ही आप देखोगे वॉल्केनिक इरप्शंस है। ठीक है, सबसे ज्यादा डॉट यही पे है। ओके, यही पे कोई कोई मूवमेंट होती है जिसके कारण हमारा जो फॉर्म हुआ है ओशन और कॉन्टिनेंट। तो ये सारी चीजें जो है, यानी कि ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज व्हाट वी विल डू इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एंड आज हमने बेसिकली यही देखा है कि कौन से दो रीजन कम्प्लीटली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव करते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द डिफरेंट लेयर्स, और मैंने लेयर्स आपको ब्रीफली बता ही दी है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन है सबसे पहले जिसमें हम देखते हैं पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज और डीप ओशनिक ट्रेंचेस आएंगे, फिर एबिसल प्लेन्स आएंगे और मिड ओशनिक रिजेस आएंगे। यू कैन हैव अ लुक एट दीज, आई जस्ट एक्सप्लेन यू ब्रीफली और हम डिटेल में भी कर लेंगे। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा, स्लोप है ये देखो, अचानक से स्लोप आ जाती है, थोड़ा राइज आएगा, उसके बाद डीप ओशनिक ट्रेंचेस आएंगे। ठीक है, आगे जाके हमारा और मतलब इस तरीके से, ये देखो दो ओशंस के बीच में है, सॉरी दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में है, ये ओशनिक क्रस्ट नीचे दिख रहा है पूरा। ओके, कॉन्टिनेंटल शेल, स्लोप, राइज वगैरह, उसके बाद हम आगे वाले में पहुंचेंगे, एबिसल प्लेन है, इसके बाद डीप एरिया में प्लेन जैसे होता है और फिर मिड ओशनिक रिजेस वगैरह। ठीक है, एंड ये इनकी अगर हाइट वाइज देखे तो ऑब्वियसली सी लेवल पे सबसे ऊपर हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, फिर स्लोप है, फिर ये बेसिन फ्लोर आ जाता है, ये डीपेस्ट ओशन का पानी। ठीक है, कहीं कहीं माउंटेन, ये हमारे हाईएस्ट माउंटेन है अबव सी लेवल, जब बोलते हैं सी लेवल के ऊपर, तो यहाँ से हमारा इस तरीके से ये पूरा शेल्फ स्लोप ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, शेल्फ स्लोप फिर ओशन फ्लोर आ जाएगा एंड डीपेस्ट ओशन। इसको अच्छे से जब मैंने डिटेल में
बताया है कि शेल्फ के बाद कैसे राइज आ जाता है, स्लोप आ जाता है, ओशनिक ट्रेंचेस आ जाते हैं, ठीक है। शेल्फ स्लोप और बेसिन फ्लोर आके डिपोजिशन, ओके। सो ये अपना पूरा एक्सप्लेन करता है इसको कि कैसे हमारा लोकेशन है, ये शेल्फ स्लोप एवरेज डेप्थ और जो डीप बेसिन है, ठीक है। सो आई सपोज दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। ये जो हम कॉन्फ़िगरेशन वाला वापस से डिटेल में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क, कम बैक विद योर डाउट्स एंड वी विल डिस्कस एंड सॉल्व, ओके। नाउ मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। Give this portion a reading and come back with your doubts if you have any. We'll discuss and solve. See you all, meet you all in the next class.